बिग बॉस OTT 2 के कंटेस्टेंट अभिषेक मल्हान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक अभिषेक के 1.5 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। अभिषेक ने इस बात का खुलासा एक वीडियो में किया है, जहां उन्होंने पूरे मामले के बारे में खुलकर बताया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रैवल करते हुए उनके साथ ये हादसा हो गया। अभिषेक की मॉम डिंपल मल्हान ने लेटेस्ट व्लॉग शेयर किया। इस वीडियो में ही फुकरा इंसान ने बताया कि कैसे ट्रैवल करते हुए उनके 1.5 लाख रुपए चोरी हो गए। वीडियो की शुरुआत में यूट्यूबर कहते सुनाई देते हैं कि भाई मैं 1.5 लाख रुपए लेकर गया हुआ था, मुझे किसी को आईफोन गिफ्ट करना था, उसी की पेमेंट बाकी रह गई थी, लेकिन अब जब मैंने ये बैग देखा तो उसमें तो पैसे ही नहीं है, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। व्लॉग में आगे अभिषेक ने बताया कि वो पहली बार इतना पैसा कैश लेकर आए थे। इसके बाद उन्होंने आगे अपने पापा की बात याद करते हुए कहा, मुझे पहले ही पापा ने बोला था कि पैसे ध्यान से रखियो, मैंने उनसे यही कहा था कि हाँ ध्यान से रखूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अभिषेक का वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन सामने आ गए और उनके फैंस भी लगातार उनको सलाह दे रहे हैं कि वो परेशान ना हो। आपको बता दें, अभिषेक बिग बॉस OTT 2 में नजर आए थे, शो में वो फर्स्ट रनर अप बने थे। इसके अलावा वो YouTube पर काफी एक्टिव हैं और काफी पॉपुलर भी हैं। उनकी वीडियोस देखना फैंस को काफी पसंद आता है।